प्रभु की इच्छा से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो गए थे। बचे 4 के दर्शन करने की कामना भोलेनाथ से प्रतिदिन करता था कि हे आशुतोष, यदि उचित मानते हैं तो अपने शेष धामों के भी दर्शन करा दें। वैसे मैंने श्री मल्लिकार्जुन, श्री परली वैद्यनाथ एवं घुसमेश्वर जी के धामों की यात्रा सारणी तैयार कर ली थी और सोचा था कि समय मिला तो श्री भीमा शंकर जी के भी दर्शन कर लेंगे। अधिक आयु यानी 72 वर्ष में अकेले जाने का साहस नहीं था। पत्नी शिथिल हो गई है, साथ में सदा तत्पर रहने वाले मित्र पांडे जी ही जा सकते थे। दर्शन के लिए मन बेचैन था। एक दिन सुबह में निद्रा में ही पांडे जी का परिचित स्वर सुनाई दिया, टिकट कटवा लिया है? चौंक कर उठ बैठा। उनको तो अभी यात्रा कार्यक्रम बताया नहीं है, तो फिर निद्रा में यह प्रश्न क्यों? नित्य पूजन के बाद पांडे जी को फोन पर बताया। उन्होंने कहा, जहां कहो चलेंगे। उनकी सहमति पाकर मैंने सभी जगह का आरक्षण करा लिया। हम लोग आंध्र एवं महाराष्ट्र कभी गए नहीं थे, परंतु विश्वास था कि यात्रा तो बाबा के मार्गदर्शन में होगी। 19 फरवरी सन 2013 ईस्वी को रवाना होकर अगले दिन रात्रि 11 बजे कांचीगुड़ा पहुंचे। अनजान जगह थी, विचार हुआ कि स्टेशन पर ही रात्रि विश्राम करें, परंतु सामने ट्रैवल एजेंसी दिखी। लोग हिंदी समझ लेते हैं, परंतु बोलने में कठिनाई होती है। एजेंसी में बताया गया कि केवल सरकारी बस ही श्रीशैलम जाती है। बस अड्डे जाओ। रात्रि 12:30 बजे का समय था। ऑटो बहुत कम थे। बस स्टेशन 6 किलोमीटर दूर, रास्ता पता नहीं। तभी एक ऑटो आकर रुका। चालक सरदार जी ने 40 रुपए में बस स्टेशन पहुंचाया। पूछताछ करने पर नशे में चूर, पर जागते कमी ने पूछने पर केवल 30 नंबर कहा। मैंने अनुमान लगाया कि 30 नंबर बस प्लेटफॉर्म कह रहा है। 30 नंबर पर खड़े एक कंडक्टर से पूछा कि श्री सैलम के लिए बस कहाँ है। उसने कहा, टिकट 204। बस कहाँ है, वेयर इज बस, कहने पर उसने पास खड़ी बस की ओर इशारा किया। 2 टिकट लेकर हम बस में बैठ गए और जोर से बोले, बाबा मल्लिकार्जुन की जय। लग रही भूख एवं थकान सब गायब। 2 बजे रात्रि में चलकर घने वनों एवं पहाड़ों के बीच होते हुए प्रातः 9 बजे हम लोग श्रीशैलम पर्वत पर पहुंच गए। हम लोगों को बाबा ने कहीं रुकने नहीं दिया। यात्रियों को देखकर एक साधु कह रहा था, महंगा रूम सामने, सस्ता गंगा निवास। उसको 2 रुपए का सिक्का दिया। यह बाबा का संकेत जो था। गंगा निवास में कर्मचारी ने बिना कुछ बोले या लिखे कमरे की चाबी देकर सामने की इमारत की ओर संकेत किया और चला गया। हम शंकर बाबा की लीला समझ चुप रहे। वहां जाकर चाबी पर जो नंबर लिखा था उसी रूम का ताला खोला, बाबा को प्रणाम किया। स्नान ध्यान करने के बाद श्री मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन एकदम एकांत में हुए। 5 बार सुंदर दर्शन हुए। अगले दिन शाम 5 बजे तक वापस कांचीगुड़ा आ गए बिना किसी कठिनाई के। हैदराबाद रेलवे स्टेशन रात्रि 9 बजे पैसेंजर से चलकर सुबह 7 बजे परली वैद्यनाथ स्टेशन पहुंचे। साधारण सा छोटा कस्बा, 2 किलोमीटर पर साधारण सा मंदिर, बगल में ही स्नान आदि की व्यवस्था, एक होटल, एकांत में सुखद दर्शन हुए। मंदिर में 2 घंटे रहने के पश्चात बस स्टेशन आ गए। औरंगाबाद के लिए बस तैयार थी। 263 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 बजे औरंगाबाद बस स्टेशन पहुंचे। बाबा का प्रबंध, सामने ही कनंसा गांव के लिए बस खड़ी है। कंडक्टर ने बताया कि यह बस श्री घुसमेश्वर मंदिर के लिए है। मंदिर विशाल, पुरुष
कमीज बनियान उतारकर ही प्रवेश करते हैं। महादेव जी की अद्भुत छटा, तीन ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम पूरा हुआ। बाबा आपको अनेक धन्यवाद। बाबा के सामने से हटने का मन नहीं हो रहा था। समय आगे बढ़ा, शाम 7 बजे तक औरंगाबाद बस स्टेशन आ गए। अब क्या यहां रुका जाए? कानपुर वापसी में तो 3 दिन का समय है। मैंने पांडे जी से कहा, समय हाथ में है, पुना चले। बाबा भीमा शंकर जी भी दर्शन देना चाहते हैं। एक लड़का पूना पूना कहते सामने आया, उसको पास बैठाया और पूछा, पूना से श्री भीमा शंकर जी कैसे पहुंचे? उसने बताया, मेरी बस से 150 रुपये में पूना के शिवजी बस स्टैंड पहुंचिए। वहां से हर घंटे सरकारी बस मंदिर जाती है, उससे टिकट लिया। 3 दिन से चाय पानी पर ही चल रहा था। आज रात उत्तर भारतीय भोजन मिला। प्रातः 5 बजे हम लोग पूना पहुंचे। 5:30 बजे प्रातः बस से भगवान भीमा शंकर के दर्शन करने चले। घने जंगलों, खूबसूरत दृश्यों के बीच होते हुए 9 बजे श्री भीमा शंकर पहुंचे। रोम रोम पुलकित हो रहा था। कड़ी में अंतिम ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होने जा रहे हैं। बहुत छोटी बस्ती, प्रसाद की 10-15 दुकानें, 2 भोजनालय, 1 मुंबई वालों की पुरानी धर्मशाला, स्नान आदि धर्मशाला में करके चले। पहाड़ चारों ओर, कई चौड़ी सीढ़ियां उतरकर पहाड़ के गर्भ में पुरातन शैली का मंदिर। बाबा के सामने खड़े, आंसुओं के साथ रोमांच भी। सोचा भी नहीं था, कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि इस उम्र में इतनी दूर आकर हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे। पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, बहुत देर तक ध्यान में लीन, भोजन कर धर्मशाला आए। रखवाली एक दादाजी करते हैं। हम लोगों ने रात्रि विश्राम यहीं करने की इच्छा बताई। दादाजी बोले, केवल 300 रुपये में कमरा। जमीन पर एक पॉलिथिन बिछा, न चारपाई न गद्दा आदि, सब मंजूर। आज रात्रि यहीं रहेंगे। बहुत सुंदर वातावरण था, कई बार दर्शन हुए। पांडे जी बोले, मुझे श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन कराओ, अभी समय है। प्रातः 8:30 बजे की बस से चलकर बीच में एक बार बस बदलकर नासिक होते 9:00 बजे त्र्यंबकेश्वर जी पहुंचे। बाबा का यहां भी पूर्व प्रबंध था। बस से उतरते ही एक युवक बोला, दादाजी आइए, मंदिर के पास रूम 200 रुपये में। बिना कुछ और पूछे हम लोग पीछे पीछे चल दिए। साफ सुथरा कमरा, रात्रि में ही दर्शन, प्रातः पुनः दर्शन। मेरा यहां दूसरी बार आना था। बाबा को अनेक अनेक धन्यवाद देकर वापस चले। नासिक होकर 4:00 बजे मनमाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। दूसरे दिन यहीं से कानपुर वापसी थी। महादेव जी का एक चमत्कार यहां भी हुआ। मनमाड़ स्टेशन पर ही चाय पीकर मैंने पांडे जी से बाहर जाकर कोई होटल लॉज देखने को कहा, जहां रात्रि विश्राम हो सके। अभी स्टेशन की सीढ़ी पर पांडे जी चढ़े थे कि एक अधेड़ सरदार जी मिल गए। उनसे होटल के बारे में पूछा, वे बोले, आप सीधे गुरुद्वारा चले जाओ, 2 किलोमीटर दूर है, आराम से रहो और प्रसाद पाओ, कोई चिंता ना करना। पांडे जी वापस मेरे पास आए और बताया। मैंने सहमति दी और बैग लेकर चले उसी पुल से, परंतु सरदार जी का कहीं पता नहीं। विशाल गुरुद्वारा पर वृद्ध सेवाकार खड़े थे। हम लोगों को देख आगे बढ़कर बोले, आओ जी, आपका तो हम इंतजार कर रहे थे। झिझककर मैंने कहा, पापा जी बात तो सुनिए। वे तुरंत बोले, अजी सब पता है, कल आपको वतन के लिए गाड़ी पकड़नी है, अंदर जाओ, दरी पर आराम करो, सब इंतजाम होगा। स्नान कर 1 घंटे गुरुवाणी का श्रवण किया। रात्रि में लंगर छका और कमरे में सोए। प्रातः निवृत्त होकर हुजूर साहब के दरबार में ध्यान किया। भोजन के आग्रह को धन्यवाद देकर वापस स्टेशन आ गए।
दोपहर 1 बजे पुष्पक एक्सप्रेस से कानपुर घर के लिए चल दिए। यह लंबी यात्रा इतनी सरलता से पूर्ण हो गई, कारण यह विश्वास था कि वे हमेशा साथ रहते हैं। जय हो भोले भंडारी। अभी जो घटना आप सुन रहे थे, इसे मैंने कल्याण से लिया है, कल्याण के मासिक पत्रिका के जून अंक से। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो कल्याण का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।